वाट्सअप गाइज वेलकम यू बैक अगेन टू माई चैनल और एक वीडियो में आप लोग का बहुत 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 स्वागत है और मेरा वॉइस बहुत ही ख़राब है आई नो तो एक वीक से लाइक थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब था तो अभी थोड़ा गलत सही है बट स्टिल इतने दिन उसे नहीं बना रही थी वीडियो बट फिर मैंने सोचा कि यार जी डी पी आई का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है और कमेंट्स भी आ रहे थे मेरे को काफ़ी सारे तो मैं एक एक का हर कमेंट नहीं दे मतलब रिप्लाई नहीं कर पा रही थी तो सोचा कि एक ही बारी में कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँ मैं एक ही वीडियो बना लूँ तो आज का जो वीडियो है वो क्यू एन ए सिक्सन है क्यू एन ए सेशन है ठीक है और मेरे वॉइस के साथ प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना ठीक है और आई नो कि बहुत ख़राब लग रहा होगा सुनने में बट फिर भी टॉलरेट कर लेना थोड़ा सा और चलो फिर देखते हैं वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ और जो भी कमेंट्स आया था मैं उस पर रिप्लाई कर लूँगी तो फिर देखते हैं <coughs>

पहला कमेंट पहला कमेंट मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे था जो भी <laughs> तो टॉप की तरफ से कमेंट था आई हैव जी डी ऑन ट्वेंटी थर्ड फेबरवरी एक मिनट हाँ आई है जी ऑन ट्वेंटी थर्ड फेब्रुरी विल यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर जी डी पी आई एंड वॉट आर द करेंट हॉट टॉपिक्स टू प्रिपेयर फॉर तो ट्वेंटी थर्ड अच्छा अच्छा आज ही से स्टार्ट हुआ ना आ। तो हॉट टॉपिक्स अच्छा वैसे ही सारे आई थिंक कॉमन कॉमन टॉपिक्स है मतलब कॉमन ही है और एक है शीलादित्य वॉमी कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट वाज द टॉपिक ड्यूरिंग गिवन टू यू ड्यूरिंग द जी डी राउंड एक्चुअली आई एम ऑल्सो कॉल्ड अप कैंडिडेट फॉर द जी डी पी आई राउंड ऑफ केस ओम इतना बड़ा कमेंट कौन दिखता है आई नो द कमेंट इज क्वाल ई रिलेवेंट टू दिस वीडियो बट आई हैव नो अदर मीन्स टू कॉन्टैक्ट यू कॉन्टैक्ट तो दे रखा है ना मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम का इदन, mostly ही तो मोस्टली इंस्टाग्राम ही यूज कर रही हूँ मैं आई विल भी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट ऑफ दिस अच्छा मेरे टाइम पे जो जी uh, डी और पी आई हुआ था कोविड के वजह से लाइक वो ऑनलाइन हुआ था ठीक है और जीडी में लाइक हाँ जीडी और पीआई मेरा एक ही साथ हो गया था मतलब कैसे बोलूँ कि जी डी वो बोल सकते हैं लाइक पैनलिस्ट चार पाँच पैनलिस्ट बैठे थे और उस टाइम पे लाइक एक तीन सौ तो टॉपिक दिया गया था हम लोग को ठीक है तीन सौ तो टॉपिक में से लाइक कोई भी तीन में से एक चूज़ करना था और उसी के ऊपर थोड़ा सा बोलना था है ना ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि लाइक दस पंद्रह जन बैठे हैं मतलब कैंडिडेट्स हैं और उनमें से एक डिस्कशन चल रहे हैं उनके बीच में वो ऐसा जी जो ग्रुप डिस्कशन होता है वैसा कुछ था ही नहीं तीन टॉपिक्स दिया गया था उस तीन में से लाइक तीन टॉपिक्स था एक स्टार्टअप के ऊपर में था और एक था कोविड के कोविड नहीं सॉरी वो रशिया यूक्रेन हाँ रशिया यूक्रेन और एक और एक कुछ तो था याद ही नहीं आ रहा मेरे को तो तीन टॉपिक था तीन टॉपिक के ऊपर लाइक तुम कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो उसमें से एक टॉप मतलब जो भी तुम कोई भी टॉपिक एक चूज़ करके बोलोगे बाकी दो टॉपिक भी लाइक प्रिपेयर करके मैं गई थी क्योंकि मेरे को पता था कि लाइक वो लोग क्रॉस क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे तो वही हुआ था जो भी मतलब मैंने तो बोला था रशिया यूक्रेन के बारे में बट नहीं मैंने बोला था लाइक स्टार्टअप के बारे में इंडिया स्टार्टअप के बारे में लाइक कैसे इंडिया में स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे और कैसे हेल्प कर रहा है वो सब लाइक बोला था मैंने थोड़ा तीन चार मिनट का बोला था उसके बाद उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन में इंडिया के बारे में नहीं पूछा था क्रॉस क्वेश्चन में उन्होंने रशिया यूक्रेन जस्ट जनरल नॉलेज कि कौन प्राइम मिनिस्टर कौन प्रेसिडेंट ये सब पूछ लिया था उन्होंने तो ये सब उस टाइम पर हॉट टॉपिक्स था अभी पूछ सकते नहीं अभी के टाइम पर वो सब आई डोंट थिंक कि वो टॉपिक्स यहाँ पर घुसा देंगे बट हाँ स्टार्टअप का पूछ सकते हैं ठीक है तो उस टाइम पे मेरा जीडी का टॉपिक वही जो बोला मैंने दो तीन था और मतलब उस टाइम पे तो वो करंट सी था ना वो टॉपिक सारे और बाकी पीआई में पूछा था मेरे को कि लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे को अब मेरे प्लेसमेंट के टाइम पे ही पूछा जाएगा आई नो तो वो वाला क्वेश्चन को लाइक like, हर जगह हर इंटरव्यू में पूछते हैं बस उसको बोलने का तरीका अलग अलग होता है उसी बेसिस पे लाइक like, इंप्रेस होते हैं है ना तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है उसके बाद लाइक like, पूछ सकते हैं अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एनवॉल्व आपका जो स्कूलिंग बैकग्राउंड हो गया वो सब क्योंकि अभी तक तो आप कंपनी में ज्वाइन नहीं किया हो मतलब जो फ्रेशर का बोल रही मैं तो स्पेशली वो लोग पूछेंगे फ्रेस को लाइक ऐसे ही पूछ सकते हैं आपने स्कूल कॉलेज बैकग्राउंड स्कूलिंग कहाँ से किया और हॉबीज़ और वो सब लाइक ऐसे और एक पूछ सकते हैं कि लाइक वाई यू वाई यू वॉन्ट टू तो डू एम बी ए और केसों में क्यों करना चाहते हैं मतलब पर्टिकुलर कॉलेज कोई भी कॉलेज में आप कर रहे हैं सपोज जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो उसी कॉलेज से रिलेटेड वो पूछेंगे कि कॉलेज के बारे में भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोग रख के जाना ठीक है इधर सर को उसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा है उस कॉलेज के बारे में पता ही नहीं है आप लोग को है ना तो ये नहीं करना थोड़ा सा पता करके जाना उस बारे में ठीक <coughs> है और फिर हाँ हाँ जी डी जी डी का अभी करेंट टॉपिक्स क्या क्या है मैं बता दूँगी वॉट रैंक यू गेट ड्यूरिंग किट एग्ज़ाम किट का एग्ज़ाम नहीं दिया था मैंने किट एग्जाम मैंने दी थी मैं मैट का एग्ज़ाम दी थी और उसमें रैंकिंग वैंकिंग कुछ था नहीं अपने पर्सेंटेल के हिसाब से ही Uh, मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ था उसके बाद जी डी अब प्रोसेस के लिए आया था और uh, <coughs> हाँ और मेरा मैट का स्कोर कितना है वो तो मैंने रिवील कर ही लिया था uh, उसका वीडियो मैं दे दूंगी आई बटन में आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको ठीक है व्हाट डू वी नीड टू वेयर फॉर जीडीपीआई जीडीपीआई के लिए फॉर्मल ट्रेडिशनल uh, जो कुर्ती मतलब गर्ल्स के लिए बोल रही uh, कुर्ती लेगिंग्स हो क्या मतलब कोई भी नॉर्मल सर डिस अवेयर आप पहन के आ सकते जीन्स भी ज़्यादा प्रीफर ना करो क्योंकि अभी ऑफलाइन है ना ऑफलाइन में लाइक इफ़ यू विल कम इन लाइक बिजनेस अटायर तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा है ना फॉर्मली जैसे कि ब्लेजर हो गया वो सब थोड़ा फॉर्मल पहन के आएंगे तो वो भी अच्छा है वरना इंडियन इंडियन वेयर भी वो भी ठीक है हाँ दी आपसे केसूम के बारे में पूछना था कांटेक्ट के लिए मैंने अपना डिटेल्स तो दिया है ना आईडी में इंस्टाग्राम आईडी तो दिया है फिर बार बार क्यों हायर रैंक वन थर्टी नाइन इन के टी मैनेजमेंट एग्जाम कॉर्ड सेलेक्टेड फॉर राउंड हाउ मच इज में पॉसिबिलिटी टू गेट इंटू एडमिशन ये मेरे को नहीं पता कि टी एडमिशन के बारे में मेरे को इतना नहीं पता क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम दिया ही नहीं है और जितना मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से लाइक like, पता क्यों बस उतना ही पता है कि शॉर्ट लिस्ट होते है एग्जाम होता है शॉर्ट लिस्ट होते हैं फिर जे डी पे बस इतना ही पता है hmm. सारे तो हो ही जाते हैं ना किटी में जो एग्ज़ाम देते हैं मतलब नॉर्मल तो हाँ बाकी हाँ अभी आते हैं लाइक <coughs> सॉरी अभी जो हॉट टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स मतलब लाइक करंट टॉपिक्स जो है वो है लाइक like, मैं कुछ कुछ बता रही कि मेरे को लगता है कि लाइक like, इम्पोर्टेंट है और वो आ सकता है सबसे इम्पोर्टेंट है जो है वो है बजट है ना अभी दो दिन पहले ही लाइक बजट फाइनल हुआ है और uh, उस पर बहुत चांसेस है कि आप लोग को पूछा जा सकता है बहुत ज़्यादा तो लाइक like, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आप लोग बजट पढ़ के जाना लाइक like, थोड़ा सा नॉलेज रखो उसके बारे में क्या है क्या नहीं वो वाला और <coughs> और एक बजट गया एक तो और एक हो सकता है हाँ और एक ये वाला मतलब ऐसा न्यूज टॉपिक नहीं है बट एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है लाइक वर्क लाइफ बैलेंस इज ए मिथ ये वाला ये भी एक जीडी टॉपिक हो सकता है आप लोग का और स्टार्टअप के बारे में भी एक जीडी टॉपिक हो सकता है आप लोग का ठीक है और हो गया जैसे कि ऐसा तो बहुत सारे टॉपिक्स है बट लाइक मोस्टली मेरे को लग रहा है कि जीडी टॉपिक्स में बजट वाला ही आएगा और आ, और जो भी रिसेंट में क्या क्या न्यूज़ में रिसेंट में एक हाँ रिसेंट टॉपिक एक है जो चैट जीपीटी है तो चैट जीपीटी का प्रोज कॉन्स पूछ सकते हैं और हो गया मून लाइटिंग एथिकल और अनथिकल उसका पार्ट वाला मून लाइटिंग तो पता होगा मून लाइटिंग जो विप्रो में हुआ था मून लाइटिंग लाइक वन एम्प्लॉय वॉज वर्किंग इन बोथ द कंपनीज तो वो पकड़ा गया था तो उसी उसको निकाला गया था तो मून लाइटिंग वो है तो शायद ही वो एक डी टॉपिक बन सकता है ठीक है और भी ऐसे लाइक like, uh, चार पांच टॉपिक्स तो मैंने ऐसे ही बोल दिया जो इम्पोर्टेंस जो मेरे को इम्पोर्टेंस लगा ठीक है और आप लोग देख लेना कि अभी रिसेंट में और कौन कौन से करेंट टॉपिक्स है न्यूज़ में भी कौन कौन से है उसी हिसाब से जी टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना सारा प्रिपेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है ना जो अभी अभी करंटली चल रहा है वो चीज़ वो ठीक है <coughs> <coughs> बाकी एक बात याद रखो जीडी के लिए कि जब जीडी होता है ना लाइक अगर ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ भी हुआ है मतलब जब हम लोग का लाइक मॉक जीडी वगैरह चलता है ना एडमिशन के एडमिशन बा, के बाद तो जब जीडी चलता है ना लाइक आता नहीं है सब ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स है लाइक हमको सब सारे टॉपिक्स के बारे में पता नहीं होता है ना इवन ईव हम लोग प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हैं जब वहाँ पर हम लोग जाते हैं और जी स्टार्ट होता है आ, या तो देखो अगर हम लोग को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है देन तुम लोग पिच करो मतलब स्टार्ट करो अगर नॉलेज नहीं है उस टॉपिक के बारे में मतलब कुछ पता नहीं है तो थोड़ा रुक जाओ एक दो जन तीन जन के मतलब सुनो पहले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं और उसी में से लाइक थोड़ा सा निकालो पॉइंट्स और बोलो या तो एंड अप भी कर सकते हो जीडी को पूरा एंड अप भी तो करते हैं ना तो उस सारे पॉइंट्स को लाइक बोल सकते हो कि माय फ्रेंड अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड दिस 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 तो दिस आर द पॉइंट्स दैट वी आर कंक्लूडिंग ऐसा करके कुछ ना कुछ बोल सकते हो तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रखो तो जनरल क्या होता है ना हमको अभी भी ये सीखा जाता है कि जीडी में हमेशा लाइक अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दो भले कुछ भी ना आता उसके बारे में बट कुछ तो बोलो है ना वही तुम लोग को देता और जी अभी जो एडमिशन कर रहे हैं एम में उनका नॉर्मली यही है मतलब कि लाइक उनको देखना है कि तुम लोग बोल पाते हो नहीं चुप कभी मत बैठना बोलना कुछ ना कुछ तो बोलना ऐसा नहीं कि टॉपिक के बाहर से बोलना टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ बोलो एक दो पॉइंट बोलो बट भले ही बोलो और ऐसा कभी नहीं ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसको सब कुछ आता है है ना ऐसा कोई नहीं होता बहुत बार ऐसा होता कि लाइक हम लोग को टॉपिक के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता बट स्टिल ऐसा ग्रुप में कोई कोई होते जिनको आता है ठीक है तो उन्हीं में से हम लोग पॉइंट्स लेंगे और उसको हम अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर बोलेंगे तो इतना ही बस काम है और पी में तो आप लोग को पूछा जाएगा जो पूछेंगे आप लोग वही बताना तो पी में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी बस जी के लिए बोल रही थी और जी के लिए सबसे मेन आप लोग यूनियन बजट जो है है ना बजट हो गया और जैसे मैंने बोला कुछ कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है वो सब आप प्रिपेयर करके थोड़ा जाना और बाकी भी आप लोग कुछ देख लो आ, मिल जाएगा आप लोग को नेट में करंट टॉपिक्स वो सब भी थोड़ा प्रिपेयर करना आई थिंक दस से बारह टॉपिक्स ही मिलेंगे आपको है ना तो वो सब पर थोड़ा सा देख लो और स्टार्टअप का भी देख लेना कि स्टार्टअप कैसे इंडिया को हेल्प कर रहा है स्टार्टअप करने से क्या फ़ायदा है कंपनी को क्या मतलब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवाटेजेस सब देख के थोड़ा सा देख लेना क्योंकि मेरे टाइम पर वो आया था मतलब मैं जब एडमिशन लेने वाले थे मतलब जब आप लोग की जगह थी जी डी पी लिए उस टाइम पर आया था उसके बाद जब मॉक मेरा जीडी हुआ तब भी आया था है ना उसके बाद जब मेरा कॉरपोरेट मेंटर है ना कॉर्पोरेट मेंटर आपको आप लोग को असाइन किया जाएगा फर्स्ट ईयर में ही उस टाइम पे भी मेरा जो इंटरव्यू हुआ था लाइक पूछा था मेरे को तो मेरा उस टाइम पे भी जीडी टॉपिक था वहाँ पे चूज़ करने के लिए कि हाउ स्टार्टअप इज़ गोइंग टू हेल्प इंडिया फॉर द ग्रोथ ऑफ़ इट्स इकनॉमी तो ये सब ना मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये सब का बहुत अच्छे से एटलीस्ट थोड़ा ओवर लुक कर लेना गूगल में देख लेना समझ लेना है ना तो एक ओवरऑल आइडिया हो जाना ना बाकी तो नॉर्मल हो जाएगा और इसी के साथ वीडियो को मैं ख़त्म कर रही क्योंकि अब ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मेरा हालत भी बहुत ख़राब हो जाएगा है ना जैसे तैसे करके मैंने ये वीडियो बना लिया बीच बीच में खासी है तो उसको थोड़ा स्किप कर लेना मतलब छोड़ो तो सबको ऑल द बेस्ट जी और पी के लिए बहुत अच्छे से जी और पी दो एंड आई होप कि जो लोग भी एडमिशन लोगे यहाँ पर है ना तो मैं भी आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए मेरा तो, मतलब एक तो लड़का है जो मेरे को मिसर मैसेज भी किया कि दी वेटिंग टू तो बी टू तो गेट टू तो बी यर जूनियर नेक्स्ट ईयर ऐसा करके कुछ मैसेज आया था तो मैं भी बहुत खुश हूँ उससे मिलने के लिए बाकी आप लोग अपना डिसीजन सही से लो अच्छे से चूज़ करो कि आप लोग को कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है मैं तो ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रही थी सोम के लिए बट मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही तो उसी थोड़ा बहुत जानकारी आप लोग को देती हूँ आप लोग जो डाउट्स पूछते हो बस उसी का ही क्लैरिफिकेशन करती हूँ कोई प्रमोशन नहीं है आप लोग को जहाँ मन करें अपने रिजल्ट के हिसाब से आप लोग वहीं ज्वाइन करो ठीक है और एंड आई होप कि सब लोग को आई आई मिल जाए बट फिर भी देखो आप लोग के हिसाब से आप लोग जहाँ अच्छा लगे और बस अभी जीडी के लिए प्रिपेयर हो जाओ और जल्दी से जल्दी आके जी डी दो अपना बेस्ट दो जी डी पी एस जो भी जो भी जी जल्दी पे पैर करो और टाइम बहुत ही कम है तो टाइम बिना वेस्ट करे लग जाओ है ना तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में बाय 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 और एक बात वीडियो को तो दिन तक देख ही लिया होगा ना तो अभी जल्दी से जल्दी जाके वीडियो को लाइक कर लो शेयर कर लो और कमेंट ज़रूर बताओ मेरे को कि वीडियो कैसा लगा काफ़ी एफर्ट्स डाला मैंने इस पर गला काफ़ी ख़राब है उसके बाद भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो प्लीज़ जाके थोड़ा सा कमेंट में भी डाल देना एक 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 हार्ट तो ज़्यादा डाल देना और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकॉन है उसको भी जाके प्रेस कर लो ताकि मेरे आगे के वीडियोज़ आप लोग को मिलते रहे और इधर से हटने के बाद लाइक मेरे ब्लॉग के चैनल पर भी चले जाना थोड़ा सा देख लेना अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हॉकी मैच में देखने गई थी तो काफ़ी सारे मस्त 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 वीडियोज़ है तो वो भी जाके देख लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेगा तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में बाय 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 बाय